Are you looking for admissions in MBA? Login to admissions at the rate .in or info at the rate just at your doorstep. Exceptional learning pattern with additional PGP program with Synergy University, Russia. Registrations are open. -S 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 rhythm. BSSS Rhythm. -S 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 Nature's heart is evergreen her soul deep as the wild blue sea Hello and welcome to the BSSS rhythm podcast I'm Shreya John the host of the show and with me we have a very special guest Mr Vijay Kumar Ahirwar Mr Vijay Kumar Ahirwar has more than 37 years of practical experience in administering pollution control board and Environment management related work. He did his BE in civil engineering in the year 1983 from the Government Engineering College Jabalpur, Madhya Pradesh, and his ME in 1985 from the same. He worked as regional zonal officer in various regional zonal pollution control offices and coordinated in many state-level projects such as National River Action Plan. Plastic waste, MSW, biomedical waste, fly ash, mining, and river regeneration. He worked in the Madhya Pradesh Pollution Control Board from the year 1985 till 2020. Sir, yes. welcome to you. Thank you very and much. And it's such an honor to meet you in person. Same here. I am happy to meet you all and uh, to use this platform. As you are working for the awareness of, awareness of the environment and to sensitize the people to seek their to seek their support for protection of environment and natural resources. Thank you, sir. Sir, so your insights are really, really interesting. आई होप हम इस डिस्कशन में ऑन स्क्रीन कैमरा पे बहुत चर्चाएँ करेंगे इट विल बी माइंड प्लेजर टू कंट्रीब्यूट फॉर दायस वर्क ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एट लार्ज सो दैट वी कैन मेक अर्थ एज ए लेवल लेवल प्लेनेट फॉर ईयर्स टूगेदर फॉर ए लॉन्गर लॉन्गर टाइम फॉर लॉन्गर लॉन्गर जनरे टू कम अट थैंक यू सर तो हर साल हम uh, देखते हैं कि मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं जनरेट होते हैं एंड ये ढंग से अगर हम इनको रिसाइकल नहीं करते या रीयूज नहीं करते हैं तो इससे पल्यूशन होता है राइट right? सो so, पल्यूशन क्या है एक्चुअली में आपका क्या इंसाइट है कि पल्यूशन क्या है पॉल्यूशन किसी भी नेचुरल नेचुरल जो चीज़ है आपके जो लाइफ के सस्टेन करने के लिए एयर है वाटर है फूड है इसमें किसी भी तरह का ऐसा अडल्ट्रेशन जो हार्मफुल हो उसको पॉल्यूशन कहते हैं देखिए इफ़ यू सी दैट अगर दूध में अच्छी क्वालिटी के दूध में हम शुद्ध पानी मिलाते हैं तो वो अडल्ट्रेशन कहलाता है लेकिन यदि उसमें अशुद्ध पानी मिला देंगे हम तो वो पोल्यूशन हो जाएगा दिस इज दी सिंपल एग्जाम्पल हाउ बी आर जैसे प्रकृति में हमने क्या किया है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और क्रॉप के लिए हमने केमिकल यूज़ करना शुरू कर दिए हैं उनकी ईल्ड बढ़ाने के लिए hmm. और जो नेचुरल तरीके से जो उनका ग्रोथ होता था उनमें आपको याद हो कई बार कि जो इलिया लगती थी सब्जियों में जिनको कीट कहते थे उनको नष्ट करने के लिए हमने पेस्टिसाइड का उपयोग बड़े पैमाने पर पे कर दिया है तो अब यह हाल हो गया है कि हमारे फूड चेन में ग्रेन्स में भी और वेजिटेबल्स में भी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर के जो प्रसेंस है वो आ रही है और हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर रही है, है। ये इतना ज़्यादा अधिक हो गया है मैं यहाँ ये यह बताना चाहूँगा फॉर सस्टेनेंस ऑफ लाइफ आवर प्राइम रिक्वायरमेंट इज एयर इसीलिए उसको प्राणवायु कहा गया है बिकॉज वी यूज टू ब्रीद मिनिमम फिफ्टीन टाइम्स इन ए मिनिट एंड इन ट्वेंटी फोर आवर्स इट इज द क्वांटम ऑफ द एयर कंज्यूम्ड इज अबाउट अलेवन थाउजेंड लीटर दैट टू दी दी क्वालिटी ऑफ एयर शुड बी ऑक्सीजन रिच बाई ट्वेंटी पॉइंट एट परसेंट नेबर दैस नेबर लेस देन

संस्कृतियाँ हुई हैं विकास हुआ है सभ्यता का विकास हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता एक वो थी मोहनजोदोड़ हड़प्पा की सभ्यता एक थी जहाँ बड़े बड़े बाथरूम मिले हैं पानी के स्टोरेज मिले हैं अगर आप पाँच सौ हज़ार साल पुराने किले में भी जाइएगा तो यू विल फाइंड दैट दे हैव यूज द बेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ देयर टाइम टू कंजर्व दी वाटर बिकॉज इसीलिए उसको जल ही जीवन कहा गया है जल और वायु जो हमारे जीवन की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं इनको हम किसी फैक्ट्री में प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं ये केवल नेचुरल साइकिल से ही संभव है इसलिए हमें प्रकृति के अवयवों का जो एग्जिस्टेंस में है उसका बहुत हमें मित्वता से यूज़ करना है ऑप्टिमम यूज़ करना है और केवल हमें आवश्यकता के लिए करना उनको वेस्ट नहीं करना है अब हम बात आती है जो आपने बड़ा प्रासंगिक प्रश्न उठाया है आज के रेफरेंस में कि हम वेस्ट ज़्यादा पैदा कर रहे हैं अगर आप देखें बहुत बारीकी से तो हम किस सिविलाइजेशन में रह रहे हैं हम गार्वेज सिविलाइजेशन में हैं आप बुरा मत मानिए इसको क्योंकि आज से अगर चालीस साल पहले आप देखें तो घरों से बहुत थोड़ा सा कचरा उत्पन्न होता था आज बहुत सारा कचरा उत्पन्न होने लगा घर में पहले कभी नहीं सुना होगा आपने कि मच्छर मारने के लिए कोई केमिकल यूज़ हुआ हुआ करता था चालीस साल पहले या चीटी मारने के लिए भी हम कुछ उपयोग करते थे उल्टा चीटियों को भगाने के लिए हम शक्कर है हल्दी है आटा है इनका उपयोग करते थे जैसा हमारे पूर्वज थे तो कहीं ना कहीं हमने केमिकल घर में लाए और अब इंडोर पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है आउटडोर पोल्यूशन तो है ही क्योंकि पॉपुलेशन अकेला एक कारण नहीं है एक शहरीकरण हो गया अनप्लान्ड अर्बेनाइजेशन दूसरा अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा आप सुबह उठते हैं आपको पेस्ट चाहिए टूथब्रश चाहिए फिर आपको कापी किताब चाहिए न्यूज़पेपर भी चाहिए साबुन चाहिए भोजन चाहिए और कार है बाइक है पेट्रोल है ये सब चाहिए रात को सोते हैं तो हमको मॉस्कोटो रिपेलेंट चाहिए तो ये हमारा जीवन का चक्र ऐसा हो गया है कि बिना फैक्ट्री लगाए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन लाए बिना हमारी आवश्यकता ही पूर्ति नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हमें एक तालमेल रखना पड़ेगा कि महात्मा गांधी जी ने बहुत पहले एक संदेश दिया था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कि प्रकृति हमारे आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए तो बिल्कुल उदार है आवश्यकताओं के लिए लेकिन किसी एक के भी लालच को नहीं ग्रिड कैन नॉट बी फुलफिल्ड रिक्वायरमेंट कैन बी फुलफिल्ड नीड कैन बी फुलफिल्ड तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से जीना चाहते हैं अगर संसाधनों का ऐसा ही दोहन हम करते रहे और ये कमांडिंग पोजीशन में कि हमने साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की कर ली है और हम संसाधनों का अब हम दुरुपयोग करने लगे हैं कभी आप अपने ग्रैंडफादर से पूछिए इवन फादर भी अगर आपके हों तो बचपन में पूछिए आप उनसे उस समय कितनी ड्रेस रखते थे उस समय शायद उतनी ड्रेस रोज रोजमर्रे की होती जितनी आज लोग ठंड में रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ये है कि हमने अपने आप के लाइफ स्टाइल में कहीं ना कहीं हमें रिव्यू करना पड़ेगा कि हम कहाँ से संसाधनों को बचाएं क्योंकि ये कहीं मैन मेड अकेले नहीं हैं आप जंगल काटते हैं तभी आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं अब जंगल काटना आपकी मजबूरी इसलिए हो गई है कि आपको खेती के लिए जमीन चाहिए क्योंकि खेती की ज़मीन में तो आप शहर बसा रहे हैं फैक्ट्री लगा रहे हैं तो आपको दूसरी चीज आपको मिनरल्स चाहिए तो आपको जंगल काटना पड़ रहे हैं पहाड़ खोदना पड़ रहे हैं तो आपको अपनी लाइफ में परिवर्तन करना पड़ेगा पोल्यूशन कंट्रोल की बहुत सारी टेक्निक्स हैं बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पर ट्रीटीज साइन हुई सभी देश उसका पालन कर रहे हैं इसके बाद भी चूंकि हमारी जो प्रवृत्ति है वो ये हो गई है कि हम प्रकृति पर हम क्या करना चाहते हैं अपने ढंग से अपनी मन मर्जी से प्रकृति पर कंट्रोल करना चाहते हैं और हमें अगर आप पुराने हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं हमारे जो ऋषि मुनि हैं संत हैं महापुरुष हैं अगर उनको देखेंगे तो केवल वो भक्ति मार्ग के नहीं थे उन्होंने बड़ा एक दिव्य ज्ञान भी दिया था शास्त्रों में और संदेशों में उनका ये विजन था उस समय का कि हजारों वर्षों तक ये मानव सभ्यता कैसे जीवित रहेगी तो प्रकृति के साथ तालमेल से प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने से सम्मान करने से इसीलिए हमारे बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं फसल को क्रॉप जब आती है तब भी हम पूजा करते हैं इन बिटवीन जो फेस्टिवल होते हैं हम सब ऑनर करते हैं वन्य जीवों के प्रति भी हमारा दृष्टिकोण बहुत कृतज्ञता का होता है और इसीलिए आप पहले देखिए कि कृषि और पशुपालन ही दो प्रमुख उद्योग हुआ करते थे लोगों के और लोग बड़े खुश थे और इसीलिए आज का आदमी बड़े शहर में जब जाता है जंगल कंक्रीट का देखता है तो चार गमले रख करके बीच में सोचता है कि मैं चाय पी रहा हूं पंचवटी में उसको ऐसा लगता है क्योंकि वो अभाव होता है ना जो जीन्स हैं वो तो जीन्स तो है ना कि भाई हरियाली के बीच रहना है उसको तो इसीलिए कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई चीज मिसिंग कर रहे हैं जो हमारी सोल है नेचर हमारा सोल है और हमें नेचर को कंजर्व करना पड़ेगा हमें अपने जो लाइफ है उसमें हमें परिवर्तन लाना पड़ेगा ये केवल कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं होगा अगर आप 40 साल पहले देखें 30-40 साल पहले तो रेलवे स्टेशन साफ़ नहीं हुआ करते थे आज रेलवे स्टेशन साफ़ केवल इसलिए नहीं है कि कैमरे लगा दिए हैं या फाइन करने का नोटिस लगा दिया नहीं हर व्यक्ति को सहयोग करना पड़ेगा बिकॉज डेमोक्रेसिक डेमोक्रेटिक पैटर्न में क्या है लोकतंत्र में लोक जो है वो नाइन्टी नाइन परसेंट है या नाइन्टी एट पॉइंट फाइव परसेंट है परंतु तंत्र जो है केवल एक या डेढ़ परसेंट है तो जब तक सब लोग अपना सहयोग नहीं करेंगे पर्यावरण संरक्षण में तब तक ये संभव नहीं है आप देखिए इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ है और फंडामेंटल ड्यूटी फिफ्टी वन ए जी में फंडामेंटल ड्यूटी रखी गई है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट वाइल्ड लाइफ एंड हैड ए कंपेशन विद दी नेचुरल क्रिएचर्स ये पर्यावरण का संरक्षण एक आवश्यक चीज़ रखेगी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है इसके पहले क्या था हमारे जितने धार्मिक ग्रंथ थे उनमें ये सब चीज़ें पर्यावरण के प्रति सामंजस्य बनाए रखने के लिए पर्यावरण के प्रति रिस्पेक्ट रखने के लिए कहा गया था कि नदी को गंदा मत करो तालाब को गंदा मत करो यदि नदी में नहाने का भी एक नियम था जो आप स्विमिंग पूल में जाते हैं तो पहले आपको शावर लेना पड़ता है ना तब तो आप तो स्विमिंग तो पूल में एंटर करते हैं इसी तरह से ब्रह्मावत पुराण में लिखा हुआ है कि आपको नहाने के नदी में नहाने के पहले आपको जो आपके शरीर का कचरा है मालूम नहीं आपने क्या करके आए हैं बहुत सारा श्रम करके आए हैं तो बहुत हो सकता है कि आप किसी फैक्ट्री से आए हैं या बहुत सारा कचरा आपके शरीर में है किसी कारण से तो वो आप पहले आप कचरे को त्याग करिए फिर आप स्नान करिए मतलब आप इसको पवित्र भावना को देखिए जब आप स्विमिंग पूल में जिसमें बहुत लोग नहाते हैं तो नदी भी तो एक स्विमिंग पूल है पर ये स्विमिंग पूल कब तक स्वच्छ रहेगा अगर आप डिटर्जेंट यूज़ करेंगे कपड़े धोएंगे बहुत सारी अन्य चीज़ें धोएंगे और केमिकल भी यूज़ करेंगे तो कहाँ तक नदी नदी की भी अपनी सेल्फ क्लीनसिंग पावर है तो कहाँ तक नदी रह पाएगी दूसरी चीज़ के आप देखिए हम लोग किसी भी शहर जाते हैं चाहे आप ट्रेन से जाइए चाहे आप रोड मार्ग से जाइए चाहे आप हवाई जहाज़ से नीचे उतरिए आप देखेंगे जब भी शहर शुरू होता है तो उसके पहले कचरे के बड़े बड़े ढेर दिख जाते हैं आपको उससे आपको शहर की संपन्नता नज़र आती है कि भाई कितना बड़ा शहर होगा इतने बड़े बड़े कचरे के ढेर लगे हैं ये हम क्या हो गया हम एक गार्बेज सिविलाइजेशन को हमने जन्म दे दिया है दूसरी चीज़ एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि आपने बहुत सुना होगा स्टोन एज रही है आयरन एज रही है जिसको पाषाण योग लौह योग ब्रोंज ब्रोंज इरा रहा है अब प्लास्टिक इरा है बिना प्लास्टिक के फाइबर के आपका आगे के समय चल नहीं पाएंगे उसका कारण एक है कि जो पैकिंग मटेरियल है लगभग 35 परसेंट पैकिंग मटेरियल प्लास्टिक से होता है नुकसान कहाँ होता है कि हम उसका जो डिस्पोजल है वो प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं आप देखिए हमसे हमारे जो देश में प्लास्टिक का जो प्रति व्यक्ति वर्ष जो कंजम्पशन है वो एवरेज आ रहा सेवन के जी ज़ीरो सेवन के जी और चाइना में बाईस के जी आ रहा अमेरिका में पैंसठ सिक्सटी फाइव के जी है तो इसका मतलब है कि वो लोग मैनेज कर रहे हैं उसको रिसाइकिल कर रहे हैं उसको मैनेजमेंट उनका ठीक है डिस्पोजल मेथड उनकी ठीक है हमारे यहाँ तो आप देखिए कि आप कहीं भी जाइए पन्नियाँ उड़ती हुई दिखेंगी आपको क्यों हमारे यहाँ अब तो थोड़ा सा कम हो गया है पिछले पाँच सात सालों से जब से बहुत सारे नियम आ गए हैं प्लास्टिक कैरी बैग पर तो कुछ बनना भी बंद हो गए हैं फिर भी अभी चोरी छिपे कैरी बैग आते हैं सब्जी मंडी में आपको मिल जाते हैं पहले क्या था हमारा हम लोग जाते थे सब्ज़ी मंडी चार सब्जियां ली चार फल लिए अदरक अलग नींबू अलग धनिया अलग मिर्च अलग सबकी थैलियां लेके घर आते थे फिर उन्हीं में थैलियों में हम अपना फूड मटेरियल हो या कचरा हो वो बांध के और फेंक देते थे बाहर अब तो खैर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने हर एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने बॉडी इन लोकल बॉडी ने घर घर से कचरा इकट्ठा करने की व्यवस्था कर दी है लेकिन फिर भी हमें अभी यह पॉलीथीन जो कैरी बैग है इसका कल्चर हमें खत्म करना पड़ेगा देखिए कोई भी चीज़ शून्य नहीं की जा सकती है पर हम जो आज भी आज काफ़ी लोग थैला ले चलने लगे हैं और अच्छा माने माने जाने लगा और पहले भी लोग थैला ही ले ही चलते थे सही बात है तभी हम प्लास्टिक पोल्यूशन से मुक्त हो पाए थे भाई देखिए जहाँ जरूरी है बिल्डिंग मटेरियल में प्लास्टिक है वो आएगा आपके ऑटोमोबाइल में वो आएगा आपके पैकिंग मटेरियल में है क्योंकि सबसे सस्ता पैकिंग मटेरियल प्लास्टिक ही है अगर हम एल्युमिनियम यूज़ करें तो ज़्यादा एनर्जी लगती है वेट भी होता है स्टील यूज़ करें तो और ज़्यादा हो जाता है तो कोई भी चीज़ करते हैं इन सब की तुलनात्मक दृष्टि से हमें जो प्लास्टिक है वो पैकेजिंग मटेरियल में सबसे सस्ता पड़ता है लेकिन वहीं इसके जो इन्वायरमेंटल हजार्ड हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी हैं तो हमें इसके बीच से एक चीज़ निकालनी पड़ेगी कि बड़ी जिम्मेदारी से नागरिकों को प्रकृति का सम्मान करते हुए कम से कम कैरी बैग का यूज़ करें आप देखिए जो आप कोई चीज़ लाते हैं आप अपने लिए कपड़ा लाते हैं या कुछ अच्छी चीज़ लाते हैं तो उसके साथ जो कैरी बैग मिलता है वो आप काफ़ी समय तक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी का होता है 50 माइक्रोन से ज़्यादा थिकनेस का होता है दिक्कत कहाँ हो रही है जो ये बहुत अंडर साइज जो 50 माइक्रोन से नीचे की साइज है और जो चोरी छिपे बन रहा है जो सब्जी मंडी जैसे जगहों में मिल रहा है और ग्रे एरिया जिसको बोलेंगे उसके कारण ये दिक्कत हो रही है लाइफ में अगर आप देखें बहुत बारीकी से तो हम क्या सोच रहे हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं कि अपने घर में थोड़ी जगह निकाल के कुछ पेड़ लगाएं बगीचा लगाएं और वो करें हम भी ऑर्नामेंटल पेड़ लगाने में भरोसा ज़्यादा करते हैं इवन कॉलोनी के पार्क में भी हम बड़े पेड़ नहीं लगाते हैं हम ऑर्नामेंटल पेड़ ज़्यादा लगाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं हमें वो पुराने जो पेड़ हैं आपका पीपल है बरगद है आम है इमली है आंवला है नीम है इनको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगी भड़े इनकी स्लो ग्रोथ है पर आप देखिए अगर पार्क में आप जाएंगे तो आपको बर्ड्स बहुत कम मिलते हैं उसका कारण एक है जब पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़ नहीं रहेगा तो पक्षियों को भोजन कहाँ से मिलेगा तो ये जो हमारी नेचुरल साइकिल है उसको हमें मेंटेन करना पड़ेगा तभी हम प्रसन्न रह पाएंगे और हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध रहेगा पेड़ के बारे पेड़ का रोल तो आप सब जानते हैं कि ऑक्सीजन केवल उसी से मिलती है पेड़ से और ऑक्सीजन का कोई साधन नहीं है अभी कोरोना हुआ था तो हम सब ने महसूस किया कि ऑक्सीजन कितना प्रीसीियस है जबकि हम डेली लगभग 550 फिफ्टी ऑक्सीजन हम प्रकृति से ले रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं पर हम कभी भी उसके प्रति थैंकफुल नहीं होते हैं तो हमें ये सेंसिटाइज करना पड़ेगा लोगों को बताना पड़ेगा कि प्रकृति के प्रति आप कृतज्ञता का भाव रखिए और पेड़ लगाइए पेड़ को बचाइए संरक्षित करिए और ऐसे पेड़ लगाइए कि आपको लोग याद करें आपकी जनरेशन टुगेदर वो पेड़ रहें कहीं ना कहीं हमें जो हमारे पूर्वज पहले जो पेड़ लगा गए थे आज भी जो जीवित हैं बड़े बड़े पेड़ जिनका नाम मैंने लिया है वैसे पेड़ लगाने की आवश्यकता है दूसरी चीज़ कम दूरी के लिए आप कभी भी अपने वाहन का उपयोग मत करिए क्योंकि इसमें दो चीज़ें हो रही हैं एक तो क्या हो रहा है जो पोल्यूशन है एयर पोल्यूशन वो अगर आप टोटल एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो इसमें सेवन सिक्सटी सेवेंटी परसेंट जो पोल्यूशन कंट्रीब्यूशन है इज़ इट फ्रॉम व्हीकल और पोल्यूशन तो या तो अगर आपको दूरी पर जाना है तो आप पूल में यूज़ करिए आपके ड्यूटी पर जाना है इंस्टीट्यूशन में जाना है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे पूल में व्हीकल यूज़ करना ज़्यादा अच्छा है कम दूरी के लिए तो आपको कोशिश करें कि पैदल चलें समय है और नहीं तो आपने साइकिल का यूज़ करें तो उससे क्या रहेगा आपका ट्रैफिक कंजेशन भी नहीं रहेगा और दूसरी चीज़ आपकी ये जो समस्या है कि जो हम बाहर से डॉलर में खरीद रहे हैं और दूसरी चीज़ चलो हमने ख़रीद लिया लेकिन हम पोल्यूशन तो हमारे देश में है ना तो हम अपने यहाँ का पोल्यूशन लोकल पोल्यूशन क्यों बनाएं दूसरा आप देखिए हर एक मोहल्ले में जो स्वीपिंग्स होती है स्वीपिंग्स का बहुत बड़ा भाग जो है जलाया जाता है स्पेशली जो पत्ते हैं और सूखी हुई घास है यानी हॉर्टिकल्चर वाला जो वेस्ट जो है वो मोस्टली लोग जलाते हैं पेपर भी जलाते हैं लोग प्लास्टिक भी जलाते हैं और ठंड में आप देखिए कि जिस जिस कॉलोनी में या बिजनेस सेक्टर में कमर्शियल एरिया में जहाँ जहाँ भी गार्ड होते हैं ठंड तो लगती है देखिए मानव स्वभाव है हम ऐसा नहीं कह सकते हैं लेकिन उनको अपनी ठंड दूर करने के लिए जो भी मिलता है वो जला देते हैं अब वो अज्ञानता में जलाते ऐसा नहीं है उनको मालूम भी है लेकिन कोई विकल्प नहीं है उनके पास में ठंड से बचने का तो क्या होता है कि आप बिल्कुल ठंड के समय में देखेंगे एक तो क्लाइमेट है डिस्पर्सन कम हो रहा है दूसरा कोई भी मटेरियल आप जलाएंगे चाहे टायर जलाएं चाहे प्लास्टिक जलाएं चाहे कोई और चीज़ जलाएं आजकल हर चीज़ में केमिकल है कुछ ना कुछ चाहे वो एडहेसिव ही क्यों ना हो तो जब जलता है तो उसका असर आपके आपके शहर में ही तो रहेगा कहाँ जाएगा एक शहर का पोल्यूशन दूसरे में भी होता है आपने अगर जयपुर की घटना दे सुनी हो वहाँ कितना सारा पेट्रोल जल गया था तो पेट्रोल जलने का सिर्फ ये नहीं कि इतने करोड़ का नुकसान हुआ उसके जो पोल्यूटेंट्स हैं वो कितने समय बाद डिस्पर्स होंगे एटमॉस्फेयर में और कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ कहाँ की एयर क्वालिटी ख़राब करेंगे ये बड़ा जिसको बोलते इर लॉस कहलाता है जैसे कहीं हम माइनिंग करते हैं ना तो माइनिंग तो अब एक माइनिंग तो एक आवश्यकता है कि आपको आपको जो है मिनरल चाहिए है आयरन चाहिए है एलमिनियम चाहिए है बाक्साइड चाहिए तो आपको माइनिंग करना पड़ेगा मजबूरी है कोल भी लेना पड़ेगा क्योंकि आपको पावर चाहिए दूसरा अनावश्यक रूप से बिजली का जो खर्चा है हमें वो रोकना चाहिए ये मत सोचें हम कि हम जो पे कर रहे हैं तो हम अफोर्ड कर रहे हैं बिजली का बिल इसलिए जहाँ बिजली उत्पन्न होती है हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में जो कोयला उपलब्ध है उसमें एश जो है ऑलरेडी 35% 35% टू 42% है मींस दिस मच ऑफ फ्लाई एस एरिया इज़ अवेलेबल और एक मेगावाट बिजली बनाने में लगभग 17-18 टन कोल लगता है तो उतना फ्लाई एस वहाँ यूज़ होता है तो फ्लाईस जनरेट होता है तो बहुत बड़े बड़े पहाड़ फ्लाई एस के आ गए हैं तो वो एक नई समस्या है हालांकि उस फ्लाइस का उपयोग कुछ हद तक रोड और बिल्डिंग में हो रहा है लेकिन अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि 67 परसेंट जो हमारी पावर है वो मीट आउट हो रही है फसल फ्यूल से पानी के बचाने की बात जहाँ तक है हमें अपने लाइफ में चेंज करना पड़ेगा देखिए कार जो है आपकी आधी बाल्टी से भी साफ़ की जा सकती है और चार बाल्टी पानी भी कम है तो हमें कहीं ना कहीं ये देखना चाहिए कि पानी हमारा लिमिटेड है अगर आप डेटा देखें तो इंडिया का जो लैंड एरिया है वो 2.4 परसेंट है पानी केवल 0.4 परसेंट अवेलेबल है हमारे पास और वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन लोड है 19 परसेंट है 19 परसेंट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लोड इज़ इन इंडिया एंड वी हैव ओनली 2.4 2.4 परसेंट लैंड एरिया एंड वनली टेन परसेंट केटल्स एंड वनली जीरो पॉइंट फोर परसेंट वाटर दिस इज़ बिग चैलेंज फॉर अस जेंटलमैन आज भी अगर आप देखें तो शहर में ट्वेंटी फाइव परसेंट एरिया में पानी की सप्लाई सफिशेंट नहीं होती है और ग्रामीण एरिया में फिफ्टी परसेंट लोगों को पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है क्वालिटी की बात मत करिए क्वालिटी तो एक अलग इशू है अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि रिसोर्सेस कम है आप मध्य प्रदेश को देख लीजिए हमारे यहां केवल पेरेनियल रिवर केवल नर्मदा है पेरेनियल मीन्स द रिवर विच फ्लोज थ्रू आउट ईयर दैट इज पेरेनियल रिवर अब नर्मदा जी भी हैं तो नर्मदा क्यों हैं क्योंकि उनके कैचमेंट में जंगल हैं कुछ उनकी नदियां हैं सहायक नदियां हैं तो उसके कारण वो जीवित हैं और यदि फॉरेस्ट कट गए तो फॉरेस्ट की जो रूट्स जो पानी को रिटेन करती हैं पानी को कैपलरी एक्शन से ऊपर भी पहुंचाती हैं पेड़ का भी पोषण करती हैं और जो हमारी सॉयल है उसको भी रोकती है और पानी को जब ज़रूरत होती है तो नीचे पानी डिस्चार्ज होता है रिवर और नाले में जाता है तो ये सब साइकिल है आपस में जो जुड़ा हुआ है हमें इसके प्रति बहुत सचेत रहना है क्योंकि वो दिन दूर नहीं कि हमारे पास सारे साधन हैं आज अगर आप देखें तो जो जो स्वर्ग की कल्पना है कि आप हवाई जहाज से कहीं भी जा सकते हैं नेविगेशन से भी कहीं भी जा सकते हैं कोई दूरियां नहीं हैं आपके हाईवेज़ हैं इंफ्रास्ट्रक्चर हैं बहुत अच्छा अच्छा क्रिएशन है लेकिन क्या सही में हमको शुद्ध हवा और शुद्ध पानी मिल रहा है आज इसीलिए हमको बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं हमारी बॉडी अवर बॉडी इज मेड ऑफ वाटर सेवेंटी परसेंट पानी है हमारी बॉडी में और हमारी जो बीमारियाँ हैं जितनी भी बीमारियाँ होती हैं उनमें से एट्टी परसेंट बीमारियाँ तो वाटर बोर्ड डिसीज के ही जाती हैं एट्टी परसेंट बीमारियाँ देखिए जीवन तो अभी केवल पृथ्वी ग्रह पर ही है जो आपके नाइट्रोजन है कार्बन है इनका जो कॉम्बिनेशन है ऑक्सीजन है जो उपलब्ध है मानव जीवन के लिए वो केवल अभी ब्रह्मांड में बहुत सारे ब्रह्मांड ऐसा ऐसा है लेकिन जो जीवन है वो केवल यही है तो इसलिए ये पृथ्वी ग्रह बहुत लंबे समय तक जीवन योग्य ग्रह बना रहे ऐसा हमको जीवन जीना चाहिए और संसाधनों का ऑप्टिमम यूज़ करना चाहिए वेस्ट को जहाँ तक हो सके रिसाइकिल करें वेस्ट कम से कम जनरेट होने दें पेड़ अधिक से अधिक लगाएं और एनर्जी का उपयोग सदुपयोग करें एनर्जी को वेस्ट ना करें पानी को भी वेस्ट ना करें हवा को प्रदूषित होने से बचाएं कचरे को बिल्कुल ना जलाएं कम से कम कचरा उत्पन्न करें ऑर्गेनिक कचरा हो तो अपने घर में ही खाद बनाने का प्रयास करें पत्तियों का है सूखी पत्तियाँ हैं फूड वेस्ट है ये सब हमें और यदि जगह नहीं है आपके पास तो जो म्यूनिस्पल का जो आदमी लेने आता है उसको कम से कम गीरा कच्चा, गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग दें आई होप योर क्वेश्चंस आर एड्रेस्ड इफ एनी थिंग इज लेफ्ट आई एम हेयर ऐसा कोई मैसेज है जो आप देना चाहेंगे हमारी जनता को मैं समझता हूँ जल ही जीवन है ये सभी धर्मों शास्त्रों में अंकित है क्योंकि बिना पानी के हम ज़्यादा दिन नहीं जीवित रह सकते हैं तो हमें पानी को कंजर्व करना पड़ेगा क्योंकि पानी किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता है जो पानी आप बनाएंगे वो केवल लैब यूज़ के लिए होगा जीवन जीने के लिए नहीं होगा और पानी को हमें हर हाल में मितव्यता से यूज़ करना है शेविंग कर रहे हैं तो नल बंद कर दें हाथ धोना है तो साबुन लगा के बाद नल को बंद कर दें कार कम से कम पानी में धोएं गीले कपड़े से धोएं नहाते समय भी ध्यान रखें कि आपको नहाना है तो कम से कम पानी में आप नहाने का प्रयास करें आपके आसपास नदी तालाब है तो उनको गंदा करने से रोकें और एक जो जाँच जो एजेंसी है इसके लिए वाटर कंजर्वेशन की पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है आज प्रशासन भी है उनको भी सूचित करें कहीं पानी का वेस्टेज हो रहा हो उसको भी सूचित करें आप पानी का लीकेज हो रहा हो उसको भी सूचित करें और लोगों को जागृत करना है जागृत करना है लोगों को इसके जल के प्रति संवेदनशीलता लानी है हमारे पूर्वज रोज पानी का घड़ा रख करके के कलश जिसको बोलते थे उसकी पूजा करते थे उसके बाद उस पानी को उपयोग करते थे इसका मतलब जल ही जीवन कोई खाली ये लाइन नहीं है जल ही जीवन वास्तव में जीवन है बिल्कुल सर आपने सच बोला है कि जल ही जीवन है सर इट इज़ रियली प्लेजेंट कि आप हमारे स्टूडियो आए आपके साथ बहुत अच्छी चर्चा हुई है एंड आई होप कि आपकी चर्चा से हम सभी कुछ सीखे होंगे